छपरा नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने विकास के दावे को लेकर जनता के बीच जाने लगे हैं। छपरा में भी इसकी तैयारी को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद है। वहीं नगर पंचायत में कुल 16 वार्ड है। 2001 में इसे नगर पंचायत का दर्जा मिला, लेकिन दो दशक बीत जाने के बाद भी मगोड़ा नगर पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधा से वंचित है। मढोड़ा नगर पंचायत को विकसित करने के लिए कुल 90% मैदान में है, जिनमें मुख्य पार्षद 14 प्रत्याशी और उप मुख्य पार्षद 14 प्रत्याशी के अलावा 62 वार्ड पार्षद चुनावी मैदान में है। बावजूद इसके जनता इस बार किसे मौका देगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। सभी लोग जानते हैं आयोग ने फिर से निर्देश दिया है कि 18 तारीख को प्रथम फेज में मढोड़ा में मतदान होगा। उसके लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हैं। उसमें सारे जो कुशांग पूर्व से कार्यरत थे, सारे कुशांग फिर से काम करना शुरू कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचना दे दी गई है और उसका तामिला भी प्राप्त करा लिया गया है। 23,027 कुल नगर पंचायत के मतदाता हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,319 और महिला मतदाता हैं 10,708। कोई भी ट्रांसजेंडर इसमें नहीं है। तो कुल 16 वार्ड हैं मढोरा नगर पंचायत में, इसमें कि 30 बूथ बनाए गए। क्या तैयारी करती है? उन सारे बूथों पर सारे जो AMF होती हैं उसकी जांच कराकर BLO को निर्देश दिया गया है कि वहां पर देख लिया जाए कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, मतदाताओं को मतदान करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसके अलावा जो मतदान पूर्व की जो तैयारियाँ होती हैं उसमें FST और SST का गठन होता है, जिसमें कि दो दो टीमें बनाई गई हैं मढोरा नगर पंचायत के लिए। उनका काम होता है कि यदि उनको चुनाव के समय कोई भी सूचना प्राप्त होती है, वो पैसा बांटने की समस्या हो या लाइन ऑर्डर या MCC के जो